हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जो मेरे आँखों का भी वो हुआ था ना, मैं लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था, तो हम लोग हॉस्पिटल जाके आए और हॉस्पिटल डॉक्टर ने मुझे एक ड्रॉप्स दिया था। शायद उन्होंने बोला कुछ इन्फेक्शन हुआ है और हीट के वजह से हुआ है शायद, तो उन्होंने मुझे एक ड्रॉप्स दिया था। उससे थोड़ी अभी ठीक है और पूरा नहीं गया, आपको शायद दिख रहा होगा यहाँ पे, एक दो दिन में चला जाएगा। तो बहुत चुभ रहा था, मैंने कंटिन्यूस नारियल पानी भी पी लिया, तो अभी थोड़ा बेटर हो। मुझे मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे ज़्यादा हीट खाए तो भी नहीं होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। तो मैं बॉडी बैलेंस रखना बहुत सोच समझ के कुछ भी खाती हूँ, बहुत मेंटेन रखती हूँ बॉडी को। मतलब जो जो भी खाती हूँ ना वो बहुत मेंटेन रखती हूँ। तो आज का व्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ और द्विज को स्कूल छोड़ के आ गए, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया है। अभी लाने के लिए जाना है 12 बजे तक, और मेरा सब काम हो गया है, राइस बना के भी हो गया है और कल की दाल रखी हुई है उसी से आज खाना खाएंगे हम लोग, नहीं तो फेंकनी पड़ती है ना, अच्छा नहीं लगता है। तो एक टाइम के लिए तो हो जाएगा। और आपको ये बताना था कि आप जो भी मेरे ब्लॉग को देख रहे हो ना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। अगर आपकी सपोर्ट मिलेगी तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मुझे और एनकरेज मिलेगी और मैं कोशिश भी करूँगी। सो प्लीज़ सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। आई होप आप करोगे, मुझे उम्मीद है दिल से। और आज कुछ ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, और आज आपको एक रेसिपी शेयर करूँगी, वो है मूंग के लड्डू। मूंग के लड्डू है ना, वो बहुत उससे बहुत यूज़फुल है। मतलब जिसको भी माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है ना, ये लड्डू खाने से उनको बहुत बेनिफिट मिलता है, उनको बहुत राहत मिलती है और शरीर की थकावट रहती है ना इससे पूरी दूर हो जाती है रोज़ खाने से। और आँखों की प्रॉब्लम जिसको रहता है उससे भी उनको भी मतलब राहत मिलती है। तो इसको ट्राई करना, आपको मैं स्टेप वाइज बताऊँगी, इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। तो आज आपको यही दिखाऊंगी कि मूंग के लड्डू कैसे बनाते हैं। और आज मैं सिंपल सा व्लॉग बनाऊंगी, मतलब व्लॉग कुछ नहीं है, एक रेसिपी आपको शेयर करूंगी। ये रेसिपी बहुत यूज़फुल है, ध्यान से देखना, और कुछ भी है तो मुझे आप लोग बाद में पूछ सकते हो। चलो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने यहाँ पे 1 किलो मूंग लिया है, इसको अच्छे से रोस्ट करके लेना है, इसके कच्चा स्मेल जाना चाहिए। और याद रखना कि आँच धीमी रखना चाहिए, और धीमी आँच पे रख के अच्छे से इसको रोस्ट करना है। मतलब ये जो ग्रीन है रहता है ना, वो थोड़ा सा ब्राउन कलर हो जाएगा तब तक इसे भूनना है। और अच्छे से रोस्ट करने के बाद गैस ऑफ करके इसके इसको एक साइड पर रख देना ठंडा होने के लिए। यहाँ पे मैंने 1/2 किलो ब्राउन राइस लिया है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और एक सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मैंने ऐसे क्वांटिटी में लिया है, 1 किलो मूंग और 1/2 किलो ब्राउन राइस लिया है। आप लोग क्वांटिटी देखो, आप लोग राइस इससे कम भी कर सकते हो, ज़्यादा और ज़्यादा मत करना। 1 किलो मूँग के लिए 1/2 किलो ब्राउन राइस काफ़ी है। और यहाँ पे मूंग को ठंडा हो गया है, एक साइड में इसका पाउडर बना रही हूँ और यहाँ पे एक साइड में राइस को भून रही हूँ। राइस को ज़्यादा भूनना नहीं है, जलाना नहीं है, धीमी आँच में अच्छे से भूनना है। ब्राउन ब्राउन होता है ना, उतना तक भूनना है। मूंग ठंडा हो गया था और मैंने यहाँ पे अभी पाउडर बना लिया है, सबको थोड़ा थोड़ा डाल के पाउडर बना के साइड में रख दिया है, आप देख सकते हो।
एकदम बारीक पिसा हुआ है मैंने, जो मूंग का पाउडर है ना उसको, और एक बार अच्छे से भूनना है। जो पाउडर किया हुआ रहता है ना उसको भी फिर इससे एक 5-10 मिनट के लिए धीमी सी आंच में अच्छे से उसको रोस्ट करना है। मतलब जलाना नहीं है, उसका कच्चा कच्चा स्मेल रहता है ना वो जाता है, तब तक उसको भूनना है। आपको मालूम पड़ जाएगा, देखो अभी वो ऐसे चिपक रहा है ना, जैसे भूनते जाओगे ना एक छोड़ देगा अपने आप, इतने तक भूनना है। राइस फ्लोर को नहीं भूनना है, उसको सेपरेट निकाल के रखना है। यहाँ पे मैंने जब राइस को भून रही थी ना उसमें मैंने इलायची डाला है 4 छिलके, तो आप भी डाल सकते हो। और इसको भी पाउडर बना के रखना है, लेकिन इसको भूनना नहीं है, सिर्फ मूंग के जो पाउडर बनाया था ना उसको ही अच्छे से भूनना है, और दोनों भून के अच्छे से इसको मिला लेना है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 किलो गुड़, उसको मैंने बारीक से कट करके लिया है। 1 किलो मूंग के लिए 1 किलो गुड़ और 1/2 किलो ब्राउन राइस, आप क्वांटिटी को समझ गए होंगे। और यहाँ पे ना मैंने 1 किलो गुड़ के लिए एक छोटा सा ग्लास भर के पानी डाल के इसे उबालने के लिए रखा है। मतलब गुड़ को पूरा मेल्ट करना है और अच्छे से 2 उबाल आने तक उसे वैसे ही रखना है। यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो ना, यहाँ पे अभी गुड़ पूरा मेल्ट हो गया है। उसमें अभी अच्छे से उबाल लाना है, ज़्यादा उबाल नहीं लाना है, सिर्फ 1 से 2 उबाल के बीच में इसको बंद करना है। पूरा गुड़ इसमें पिघल जाना है, धीमी आंच में अच्छे से इसको पिघलने तक इसको रखना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसमें अभी अच्छे से उबाल आ गया है। ऐसे 1 से 2 उबाल आए तो बस अभी गैस को बंद करके जो हमने पाउडर बना के रखा है ना मूंग का और राइस फ्लोर का, उसे इकट्ठा मिक्स करके लेना है पहले तो, और जो गुड़ है ना वो नीचे निकाल के लेके आपको थोड़ा सा गुड़ आपको ज़्यादा लगा तो पहले क्या करना है, उसको थोड़ा एक पतीले में थोड़ा सा गुड़ निकाल के साइड में रख लेना, और थोड़ा थोड़ा पैन में ही थोड़ा थोड़ा जो आटा है ना उसमें डालते जाना, एक ही बार मत डालना, थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छे से मिक्स करके लेना। आपको क्वांटिटी मालूम पड़ जाएगा, और जितना वो गुड़ उसको अब्जॉर्ब करेगा ना उतना आप आटा ऐड करते जा सकते हो। तो एक ही बार मत डालना, थोड़ा थोड़ा करके जैसे मैं डाल रही हूँ ना वैसे ही आप लोग डाल सकते हो। इसी वक्त में आपको चाहिए तो नारियल भी डाल सकते हो, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है स्वाद, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। ऐसे ही किया तो ये बहुत दिन तक रहता है, नारियल थोड़ा ख़राब होने के चांसेस रहता है तो मैं नारियल ऐड नहीं कर रही हूँ। सो आप लोग देख सकते हो जो, और मुझे लगा सो जितना मैंने 1 किलो का पूरा आटा लिया था ना वो पूरा इसमें लग जाएगा, और थोड़ा सा गुड़ मैंने निकाल के रखा था तो थोड़ा सा मेरा आटा बच जाएगा शायद, क्योंकि मेरा पतीला थोड़ा छोटा पड़ गया मुझे, इसलिए मैंने थोड़ा सा गुड़ निकाल के रख दिया है। और यहाँ पे देख सकते हो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है। और फ्रेंड्स ये ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। माइग्रेन जिसे है ना उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदा मिलता है, और शरीर की थकावट तो इससे बिल्कुल दूर हो जाती है रोज़ खाने से। सो ज़रूर ट्राई करना और अपने परिवार को खिलाना, अपने लोगों का हेल्थ हेल्थ के लिए आप लोग।
ज़रूर एक बार ट्राई करके देखना, स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे देखो पूरा मिक्स हो गया है, थोड़ा भी थोड़ा आटा और लगेगा इसको, क्योंकि थोड़ा पतला ही है तो आपको देखने से ही मालूम पड़ जाएगा कितना चाहिए कितना रहेगा बोल के। आपको जैसे आप लोग करते जाओगे ना उससे आपको मालूम भी पड़ जाएगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे उसे घुमाने के लिए नहीं हो रहा था क्योंकि पतीला बहुत ही छोटा पड़ रहा था, वो पूरा नीचे जा रहा था, तो हस्बैंड भी मुझे हेल्प कर रहे थे। यहाँ पे अभी इतना बस इसको इतना इतने गुड़ के लिए इतना आटा बस है शायद, तो ये परफेक्ट है। इसे अच्छे से एक बार मिक्स करके आप लोग डायरेक्ट इसको लड्डू बना सकते हो। ये हाथ को चिपकेगा भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप लोग एक इतना ही ध्यान रखना है कि अच्छे से इसको मिक्स करना है। इसको टाइम तो लगेगा लेकिन एक बार मिक्स हो जाएगा ना। आप लोग इतना थोड़ा सा नरम हो जाएगा, ज़्यादा गर्म भी हाथ मत लगाना, थोड़ा सा जैसे ही गर्म थोड़ा सा नरम होते जाएगा ना, ठंडा होते जाएगा, इसको आप लोग लड्डू बना सकते हो। इसमें थोड़ा काजू और किशमिश हम लोग डाल रहे हैं। आप लोग चाहिए तो पीनट्स डाल सकते हो और नारियल तोड़ के भी छोटा छोटा टुकड़ा करके भी डाल सकते हो, उससे भी स्वाद बहुत अच्छा आता है। लेकिन हम लोगों को काजू बादाम बहुत पसंद है इसलिए हम लोग वही डालते हैं हर बार। तो यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया है काजू बादाम और इसको अभी आसानी से आप लड्डू बना सकते हो। ये देखो कुछ काम नहीं है, आराम से आप लड्डू बना सकते हो। देखो कितने मस्त लड्डू बने हैं और बहुत स्वादिष्ट बनते हैं, सेहत के लिए तो A1 है। सो आप लोग ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई करके मुझे बताना कैसे हुआ था। और कुछ भी है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आप जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हो प्लीज़ ऐसे ही देख के मत जाना, सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, शेयर करना, लाइक करना, आई होप आप लोग करोगे। ज़रूर ट्राई करना और बस इतना ही। यहाँ पे देखो लड्डू बन के तैयार है, बहुत स्वादिष्ट बने थे, बहुत अच्छे बने थे, बहुत अच्छा लगा। यहीं पे मेरा ब्लॉग एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिएगा और मुझे सपोर्ट ज़रूर करते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।